नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल सारौत केसरी में। और आज 3 नवंबर है और आज छोटी दिवाली है। आप सभी को पुनः एक बार दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दिवाली इस बार दिवाली माता रानी की, लक्ष्मी जी की कृपा, धन कुबेर जी की लक्ष्मा आप पर बरसती रहे। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिना स्किप के अंत तक देखिएगा। और मैं आप बताऊँगा कब आपके आलू के दामों में इजाफा होगा। तो शुरुआत कर लेते हैं, तो आज मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले यशवंतपुर मंडी की। तो 37-97 यहां बिका है 21 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो। खयाती आलू बिका है 20 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो। पुखराज आलू बिका है 19 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो। हसन का आलू बिका है 19 रुपये किलो। कॉलर का आलू बिका है 15 से 18 रुपये किलो। LR बिका है 16 से 70 रुपये किलो। चिप्सोना बिका है 17 से 18 रुपये किलो। बात कर लेते हैं हैदराबाद की। तो यहाँ आनंद का आलू जो है 20 से 23 रुपये किलो। 37-97 आगरा वाला 22 रुपये किलो। 37-97 शुगर फ्री 19 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो यहाँ बिका है। बात कर लेते हैं नैनीताल की। तो नैनीताल में 37-97 बम्पर आलू जो है 850 से 900, मीडियम आलू 750 से 850 रुपये और गुल्ला आलू 750 रुपये प्रति पैकेट बिका है। अब बात कर लेते हैं पुणे की। पुणे की मंडी में महाराष्ट्र का आलू जो है 17 से 20 रुपये किलो। आगरा का आलू 18 से 19 रुपये किलो। इंदौर का आलू 13 से 70 रुपये किलो। आगरा का आलू 15 से 16 रुपये किलो। आपका आगरा का जो बम्पर आलू है 13 से 14 रुपये किलो। आगरा का ही मीडियम आलू 12 रुपये किलो। गुजरात का आलू 11 से 13 रुपये किलो। अब बात कर लेते हैं वाशी की मंडी मुंबई की। तो मुंबई की बात करते हैं, तो यहाँ लॉकर का आलू मध्य प्रदेश का 18 से 21 रुपये किलो। मध्य प्रदेश का ही ज्योति 15 से 19 रुपये किलो। गुजरात का लॉकर 15 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो। गुजरात का LR 10 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो। चिप्सोना 10 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो। पुखराज 10 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो। लाल गुलाल 5 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये किलो तक आज बिका है। अब बात कर लेते हैं चेन्नई की। तो चेन्नई में कॉलर का आलू 22 से 23 रुपये किलो और उत्तर प्रदेश का आलू 20 से 21 रुपये किलो यहाँ बिका है। मंडियाँ कोई नहीं टूटी हैं। बात कर लेते हैं हम आपके फरुखाबाद मंडी की। तो फरुखाबाद मंडी में आज चिप्सोना बिका है 900 रुपये प्रति पैकेट। 37-97 बिका है 750 रुपये प्रति पैकेट। खयाती बिका है 700 रुपये प्रति पैकेट। पुखराज बिका है 675 रुपये प्रति पैकेट। अब चलते हैं आज़ादपुर मंडी की। तो आज़ादपुर मंडी में आज जो है 160 गाड़ी की आवक हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 37-97 आपका बिका है 950 रुपये प्रति पैकेट। बम्पर 37-97 का 800 रुपये प्रति पैकेट। 37-97 का गुल्ला 700 रुपये प्रति पैकेट। अब बात करते हैं चिप्सोना की आगरा अलीगढ़ रीजन की। आगरा अलीगढ़ रीजन का जो चिप्सोना है आज़ादपुर मंडी में 900 रुपये। और अगर चंदौसी के चिप्सोना की बात करें तो 1100 रुपये प्रति पैकेट। सूर्या चंदौसी का 1050 रुपये प्रति पैकेट। और अच्छी क्वालिटी का सूर्या चंदौसी 1300 रुपये प्रति पैकेट। बात कर लेते हैं आपके पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल से काफ़ी लोग जो है उत्सुक रहते हैं। तो शामसी की मंडी में 762 रुपये प्रति पैकेट। रामकृष्णपुर हावड़ा में 840 रुपये प्रति पैकेट। चंपडांगा में 765 रुपये प्रति पैकेट। कालीपुर में 730 रुपये प्रति पैकेट। बलूरघाट में 742 रुपये प्रति पैकेट। बड़ा बाजार 742 रुपये प्रति पैकेट। इस्लामपुर 737 रुपये प्रति पैकेट। हावड़ा 850 रुपये प्रति पैकेट। शामसी 812 रुपये प्रति पैकेट। खातरा 825 रुपये प्रति पैकेट। विष्णुपुर 825 रुपये प्रति पैकेट। पुरुलिया 610 रुपये प्रति पैकेट। कटवा 830 रुपये प्रति पैकेट। अंग्रेजी बाजार 850 रुपये प्रति पैकेट। मुस्कुरा 830 रुपये प्रति पैकेट। बलूरघाट 800 रुपये प्रति पैकेट। अलीपुरद्वार 775। मालदांगा 625 रुपये प्रति पैकेट। सिलीगुड़ी 900 रुपये प्रति पैकेट। रामपुर हॉट 850 रुपये प्रति पैकेट। कूचबिहार 725 रुपये प्रति पैकेट। बेलडांगा 915 रुपये प्रति पैकेट। सिलीगुड़ी 900 रुपये प्रति पैकेट। कल्याणी 845 रुपये प्रति पैकेट। बारासात 850 रुपये प्रति पैकेट। बाकुंडा सदर 820 रुपये प्रति पैकेट। धूपगिरी 1450 रुपये प्रति पैकेट। बोलापुर 650 रुपये प्रति पैकेट। नादिया 845 रुपये प्रति पैकेट। इंदस 825 रुपये प्रति पैकेट। पाडुआ 820 रुपये प्रति पैकेट। झारग्राम 800 रुपये प्रति पैकेट। बलरामपुर 845 रुपये प्रति पैकेट। कलिम्पोंग 950 रुपये प्रति पैकेट। डायमंड हार्बर 1050 रुपये प्रति पैकेट। करीमपुर 625 रुपये प्रति पैकेट। मेदिनीपुर 800 रुपये प्रति पैकेट। वीरभूमि 700 रुपये प्रति पैकेट। उलवेरिया 850 रुपये प्रति पैकेट आज जो है आलू का है। यहाँ से आपके मैं बता दूँ, अब आप पॉइंट पॉइंट नोट करते चलिएगा। बिहार में और पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर भारत में दीपावली का त्यौहार है, तो आलू के रेटों में जो कमी आई है उसका मेन कारण क्या है? जो ठेल ढकेल वाले होते हैं, जो आलू बेचते हैं, उन्होंने आलू का काम बंद कर, कोई दीवले बेच रहा है,
कोई कैलेंडर बेच रहा है क्योंकि उन्हें आर्थिक मार्जिन हो रहा है, कोई वो बेच रहा है 10 रुपये का माल 30 रुपये में बेच रहा है, 50 रुपये का माल 150 रुपये में बेच रहा है, विद्युत लाइटें जो झालर होती हैं उन्हें बेच रहा है, कोई अन्य तरीके के, मतलब सब अपनी दिवाली मनाने का जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कमाई के चक्कर में इनको छोड़ चुके हैं। हलवाइयों की बात कर लेते हैं, जो हलवाई जो है समोसे भल्ले पेटीज वगैरह ये सारा काम करते थे, उन्होंने भी अब ये बंद कर दिया, अब वो सब मिठाई बेच रहे हैं। तो अब एक बात है आलू की शॉर्टेज, तो आलू की तो वो होनी है, क्योंकि जब आलू उसमें समोसे में बनाया जाना है उसके सब कुछ आलू से ही संबंधित है। होटल रेस्टोरेंट में देखिए मिठाई मिल रही है, कहीं पे भी चले जाए टोटली मिठाई, आलू का काम बिल्कुल नहीं है। अब बिहार में छठ पूजा, किसान भाइयों ये एक फैक्ट है, जब आप दीपावली मनाते हैं तो दीपावली पे जो आलू बेचने वाले होते हैं, जो फड़ लगा के बेचते हैं, ठोल ढकेल खमचे वाले होते हैं, वो इस समय पे आपका कैलेंडर बेच रहे हैं, कोई विद्युत झालर बेच रहा है, कोई दीवले बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, कोई खेल खिलौने बेच रहा है, यानी कि जब आप ये जो आलू होता है इसमें लिमिटेड मार्जिन होता है, यानी कि आप इसमें बस 10-2 रुपये 4 रुपये पे ही इसका वो होता है, जबकि जो ये चीज़ें होती हैं जैसे विद्युत झालर हैं, आपका जो भी कुछ है खेल खिलौने हैं बतासे मिठाई हैं, इसमें क्या होता है मार्जिन अधिक होता है, तो दीपावली पे ज़्यादा से ज़्यादा इनको ही तवज्जो देते हैं। ऐसे में जो मिठाई विक्रेताओं को भी ले लीजिए, अब मिठाई विक्रेता जो पहले क्या कहते हैं इससे स्नैक्स बेचते थे, यानी कि समोसे वगैरह बनाते थे या टिक्की या भल्ले जो आप भी आपके यहाँ पे बोले जाते हैं वो बनाते थे, तो अब उसमें क्या है सारा कुछ मिठाइयाँ बनाए रही हैं। रेस्टोरेंट पर चले जाइए आपको स्नैक्स ख़त्म हो गया, अब सीधा आपको मिठाई दे रहे हैं, तो आप खुद जान सकते हैं। अब उसके बाद में बिहार में छठ पूजा होती है, हमारे और नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ भारत में तो दीपावली मनाई जाती है, बिहार में छठ पूजा होती है, तो जो कामगार हैं जो आलू का जो काम करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा तो दिल्ली और जो मंडियों में पूरे उसमें जा के फेरी लगाते हैं आलू की, आलू ले लो, ये सारे बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग होते हैं जो मजदूर वर्ग यानी कि तबके मजदूर वर्ग तबके के होते हैं। अब इन लोगों का क्या है जो दीपावली मनाने वाले थे वो अपने उत्तर प्रदेश लौट गए, बिहार लौट गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में जब ये लोग अपने वहाँ से लौटेंगे फिर से ये वही काम करेंगे, आलू ही बेचेंगे, तो जब ही आलू के दाम बढ़ेंगे, अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं बढ़ेंगे तो भाई साहब गारंटी मैं ले रहा हूँ, आप तो मेरे चैनल पर बने रहो, आपके आलू के रेट जो पहले थे वही दोबारा लौटने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं अब आपके पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में काफ़ी लोग जो पूछते हैं कि भैया रेट गिर रहे हैं रेट नहीं गिर रहे हैं, ये जो कंडीशन बन रही है उसी के कारण रेट गिर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था दिवाली तक रेस्पॉन्स बनाए रखो, दिवाली तक धैर्य बनाए रखो, पेशेंट रखो, दिवाली के बाद में आप लोगों के रेट बढ़ना शुरू होंगे। अगर आप फिर भी ये जानना चाहते हैं कब से बढ़ेंगे आपकी जिज्ञासा है तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में आपके 7 तारीख से रेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे मंडियों से लेकर कोल्ड स्टोरेज से, यानी सारे कुछ जो है 8-9 तारीख तक पूरा नॉर्मल हो जाएगा, ऑल इंडिया में जो पहले रेट चल रहे थे उसी रेट पे आ जाएगा। आज भी देख लीजिए चिप्स होना और उसके कोई अंतर नहीं आया दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में, हाँ थोड़ा बहुत अंतर जो कामगार होते हैं उनकी वजह से ज़रूर अंतर आया है, लेकिन अगर आप सोचते हैं ज़्यादा डीपली मत सोचा करो जब सोनू चौधरी है, तो धैर्य बना के रखो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ आप आलू किसानों तक ही है, न कि किसी और तक। अगर आप वीडियो शेयर नहीं करेंगे किसानों तक वो नहीं है वो होगी, तो किसान जो है अब भी 550-650-700 कहीं कहीं जो चल रहा है बेक जाएंगे तो आर्थिक स्थिति खराब कर लेंगे अपनी। तो निवेदन यही है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए सभी किसानों के साथ, सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, सभी फेसबुक ग्रुपों में, इससे क्या है कि किसान आप में किसान हमें किसानों तक ही जानकारी मिले, क्योंकि करोड़ों किसान हैं और किसान ही काफ़ी वो होता है। आप लोग पूछ रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो आप पूछ रहे हैं, जो नहीं पढ़ा होता वो क्या कर रहा होगा, समझ रहे हैं ना, उससे तो वीडियो तो मतलब है, चलो उसके पास वीडियो तो पहुंचा दो कम से कम। अब आपके जो रेट हैं वो दिवाली आज 3 तारीख हो गई, कल 4 तारीख दिवाली हो गई, भैया दूज आपके गोवर्धन पूजा भैया दूज, यानी कि आप खुद ले गए 5-6-7 मैंने क्या बताया, संडे से आपके रेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे और इसका असर सीधा कोल्ड स्टोरेज से शुरू होगा, न कि मंडियों से। कोल्ड स्टोरेज से रेट अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, जिस रेट पर हमने 31 अक्टूबर को छोड़ा था आलू जो है वही रेट जो है वापस लौट गया नहीं, लेकिन आप लोगों को तब तक धैर्य बना के रखना होगा, ये बात समझिए जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ठेल ढकेल वाले सभी जो हैं कोई मूर्ति बेच रहा है, कोई कैलेंडर बेच रहा है, कोई मोमबत्ती बेच रहा है, कोई झाड़ू बेच रहा है, कोई कैलेंडर बेच रहा है, तो इसमें ना मार्जिन हो रहा है। आलू पे तो 2-3 रुपये मिलते हैं 1 किलो पे अगर मिल गया तो, नहीं तो वो भी ऐसे ही 10 रुपये किलो बिक रहा है तो 10 रुपये किलो 20 रुपये किलो ऐसे ही चला जाता है, लेकिन उस पर तो आपका 10 रुपये का कैलेंडर 50 रुपये में बिक रहा है, 2 रुपये का दीवला है दिया जो होता है उसे वो 10-10 रुपये में दे रहा है, 20-20 रुपये में दे रहा है, तो कमाई कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो आलू की खपत जो है क्योंकि लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है,
मांग तो है, लेकिन जब ये जो मजदूर वर्ग का लोग है वो वहाँ पे जाके बिक्री करता है गली गलियों में जाके मंडियों से लाके, तो तभी तो आलू की अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। और मिठाई और मिठाई की दुकान और रेस्टोरेंट का तो मैंने आपको हाल बता ही दिया, क्योंकि रेस्टोरेंट में चले जाओ तो मिठाई, मिठाई की दुकान पर चले जाओ तो मिठाई, स्नैक्स का तो काम है ही नहीं। अब तो आप लोगों को लोगे 3, 4, 5, 6 ये तारीख तक तो आपको धैर्य रखना होगा, इसके बाद ही आपके यहाँ रेट बढ़ना शुरू होंगे। बहरहाल मेरे साथ में किसान भाइयों वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना किसानों तक, क्योंकि आलू के रेट बढ़ना आपके 7 तारीख से शुरू हो जाएंगे, यानी भैया दूज के बाद में आपके रेट ऑटोमेटिकली उसी पे आ जाएंगे, क्योंकि इन सबका पूरा अपना काम जो है केवल दिवाली तक चलता है, और जो मजदूर वर्ग है बिहार और उत्तर प्रदेश का वो भी मंडियों में आ जाएगा। तो ऐसे में आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर दोबारा से वही काम करेंगे, गलियों में फेरी लगाएंगे और लोगों तक आलू की सप्लाई पहुंचाएंगे। मांग बहुत मजबूत है, आप ये मत जानिए मांग नहीं है, ये व्यापारी चाले इस चालों से बचिए, ठीक है किसान भाई। आपका मैं आपसे यही एक अनुरोध करूँगा, और आप लोगों से एक यही धन कुबेर महाराज जी से यही अनुरोध करूंगा, माता लक्ष्मी से यही अनुरोध करूंगा कि मेरे किसान भाइयों का आलू 2000 रुपये प्रति पैकेट बिक जाए, और किसानों को धैर्य प्रदान करने की कृपा करें माता रानी और धन कुबेर गणेश जी। और आप लोगों से मैं अब विदा लेता हूं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो और ये दिवाली आपके लिए उल्लास वाली हो, धैर्य बनाए के रखिएगा बस।